हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड पुलिस की 20वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान फाइनल मैच ऊधम सिंह नगर और देहरादून के बीच खेला गया, जिसमें ऊधम सिंह नगर की टीम ने देहरादून की टीम को 4-0 से हराकर विजय हुए। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और हल्द्वानी के मेयर जितेंद्र जोगेंद्र रोतला रहे। इस दौरान एसपी नैनीताल पंकज भट्ट, एसपी सिटी हरबंश सिंह, एसपी क्राइम जगदीश चंद्र, सीओ भूपेंद्र धोनी समेत पुलिस के कर्मचारी और विभिन्न जनपदों की टीम मौजूद रही। विजेता टीम ऊधम सिंह नगर को मुख्य अतिथि हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रोतला ने विजेता ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों को अच्छा खेलने के लिए बधाई दी और पूरे कर्म का मंच संचालन एसओ वन भूलपुरा नीरज भकुनी ने किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बढ़ी जाएगी और 28 तारीख से शुरू हुआ और आज 30 तारीख को संपन्न हुआ। इसमें टोटल 14 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया है और सारे मैच बहुत अच्छे हुए। ऊधम सिंह नगर टीम द्वारा चैंपियन की तरह खेला गया और 4-0 से जो है देहरादून को पराजित किया गया, जबकि देहरादून पिछले साल की चैंपियन टीम थी और पूरे टूर्नामेंट में उनका जो गेम था वो आउटस्टैंडिंग रहा था। मैं सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रतिभाग करता किया है उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे अनुशासन का यहां पे ध्यान रखा। 20वीं प्रादेशिक का अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का आज यहां पर समापन हुआ। ऊधम सिंह नगर की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इस प्रतियोगिता को उन्होंने जीता। देहरादून ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया। इस खेल प्रतियोगिता में 14 टीमों ने भाग लिया था। लगभग 2 दिन से यहाँ पर सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।